की जनता की सेवा करते रहे, ऐसे लोगों को हम सत सत नमन करते हैं। ऐसे लोगों ने ये जो राजस्थान आज हमारा गौरव है और पूरे देश में अलग पहचान रखता है, उसके आधुनिक निर्माण में सुखाड़िया साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे नेता बिरले ही मिलते हैं जो सादगी के साथ में सबको साथ लेकर के 36 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में लगातार अगर 17 साल मुख्यमंत्री रहने का गौरव किसी को है तो वो मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब हैं। तो ऐसे हमारे नेता हैं, उनके जो सपने थे, उनकी जो विकास की सोच थी, कांग्रेस को आगे ले जाने की, मजबूत करने की जो सोच थी, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के ऐसे दिवस के ऊपर संकल्प लेते हैं और उसी संकल्प के तहत हम लोग राजस्थान में राजनीति के माध्यम से सेवा करते हैं। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन सामने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मैनिफेस्टो दिया था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मैनिफेस्टो को करीब 20 साल पहले ही ये तय कर दिया था कि ये सरकारी दस्तावेज होगा और उसकी पूरी मैनिफेस्टो में कितने काम हुए कितने नहीं हो पाए उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार लेती है। और पहले ही 6-8 महीने पहले ताम्रध्वज जी आए थे, माकन साहब जब आए थे तो जब पता लगा कि 52% काम हमारे घोषणा पत्र में 2 साल में हो चुके हैं, हमारी सरकार ने पूरे किए हैं, तो एक बुकलेट भी आपको पता होगा जारी हुई थी। और ये उसी कड़ी में देखा जा रहा है कि अब 6 महीने और हो गए तो 2.5 साल हो गए हमारे, तो 2.5 साल के अंदर जो काम मैनिफेस्टो के हैं वो कौन से काम इन प्रोग्रेस हैं, वो किस गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कौन से काम बाकी रह गए उनको पूरा करना होगा, वो पूरा फीडबैक लेंगे और जो उनके सुझाव होंगे उस सुझावों के ऊपर सरकार काम करेगी और हम सब मिलकर के राजस्थान की जनता जिसने सराखों पे बैठा करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई है उनके कल्याण के लिए जो भी वादे हमने घोषणा पत्र के माध्यम से राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने किए हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब लोग कृत संकल्पित। सही तरीके सही गति से हम आगे बढ़ रहे हैं सर, वादे पूरे करने में इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बार किसी भी सरकार ने 2 साल के अंदर अंदर अपने घोषणा पत्र का हिसाब दिया, जबकि कई सरकारें 5 साल में भी हिसाब नहीं देती। न मोदी जी ने 5 साल में हिसाब दिया, दोबारा सत्ता में आ गए सेना के शौर्य के पीछे छुप करके। जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार का था, आज तक पता नहीं वो संकल्प पत्र के कितने वादे पूरे हुए। तो हमारा जो जन घोषणा पत्र है उसमें 52% 2 साल में पूरे हो गए, अब हम लोग और कितने हो गए उसके ऊपर देखेंगे। कल जब इसकी समीक्षा होगी तो पता चलेगा कि कितने हो गए और कौन से वादे रह गए, उसको हम किस गति से। हमने तो 1.5 साल तो कोरोना का भी सामना किया है, उसके बावजूद आप देखिए कि बजट का इम्प्लीमेंटेशन भी हम बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं और हम जन घोषणा पत्र जो हमारा कांग्रेस पार्टी का है जिसको सरकारी दस्तावेज हमने बना रखा है उसकी भी हम लोग पालना कर रहे हैं। थैंक यू। पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। तो आपको बता दें पूर्व सीएम मोहनलाल सुखाड़िया की आज जयंती है, पुष्पांजलि कार्यक्रम पीसीसी में रखा गया, उसी दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, पुष्पांजलि अर्पित की गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो बेहद अहम और बेहद खास ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज आमजन में और सभी कार्यकर्ताओं में यहाँ से देने की कोशिश और कवायद रही कि उनके आदर्शों पर चलें, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलें।